तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ चूचू चार्ल्स गेम का पार्ट टू, जिसमें मैं आप सभी को गेम के मिशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही इन मिशंस को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी अब तक आप लोगों ने चूचू चार्ल्स गेम का पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। एंड यार आप लोग क्या कर रहे हो, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, जल्दी से जाओ फॉलो करो @gurughantanofficial। तो चलो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू चूचू चार्ल्स। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग किस लोकेशन पर है, एंड मैप में भी आप लोग देख सकते हो अपने राइट साइड के सारे मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी अपन लोग ना मतलब लेफ्ट वाले रूट को फॉलो करने वाला है, इधर के सारे मिशंस को कंप्लीट करने वाला है। मिशन एकदम ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मैं आप लोगों को बड़े तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ट्रेन को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी ट्रेन को अपग्रेड पे नहीं डाला है। ठीक है, तो अभी ना अपने पास 98 स्क्रैप है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा तो इसको अपग्रेड करना बनता है। इतने स्क्रैप में तो यार अपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन अपग्रेड हो जाएगी। बट एक बार आप लोग ट्रेन को देख सकते हो कितनी नॉर्मल सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यार अगर चार्ल्स आ तो यार ये अपनी ट्रेन को तोड़ फोड़ कर देगा। बट एक बार ये आप लोग देखो, मैं ना इसको थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर देता हूँ ताकि अपनी ट्रेन थोड़ी एकदम ओवर पावर हो जाए, और जब चार्ल्स के साथ फाइट होना तो यार अपन लोग उससे ईजिली मतलब भिड़ सके, ईजिली उसको मार सके, भगा सके। बट एक बार आप लोग देखो भाई अपनी ट्रेन कितनी ज़्यादा मतलब गदर लग रही है, देख सकते हो। मतलब अब ना मैं सोच रहा हूँ कि अब ट्रेन को अपन लोग ना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं थोड़ा आगे बढ़ के मतलब यहाँ पे रूट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि अभी ये राइट साइड पर जा रहा है और अपने को जाना है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इस गियर को मैं लेफ्ट साइड पर कर देता हूँ। अब ना अपन लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। गाइज मैं आप लोगों को सारा सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग ना अपनी तरफ से सपोर्ट दिखा देना, और इस वाली वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। ठीक है, तो अभी अपने को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो अपन लोग ना ट्रेन को थोड़ा सा फटाफट से ले चलते हैं और ऑप्शनल मिशन को अपन लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है और अभी अपन लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं। यार ये वाला मिशन भी अपना एकदम इजी है, ये बंदे के पास मैं जैसे ही आता हूँ ना तो यार ये मुझे बोलता है कि ये टोनी की मदद से अपना मतलब एक जगह है, वहाँ से कुछ रिसोर्सेज है, उनको लेके आना है। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या रहने वाले वो तो अपने को जाकर ही पता चलने वाला है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। मैप में भी आप लोग देख सकते हो टोनी की मदद से अपन लोग कलेक्ट कर लाएंगे। ठीक है, सारा सब कुछ अपना। यार आप लोगों ने मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह होगा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ कि हाँ भाई ये आप लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं की का यूज़ करता हूँ और इस दरवाजे को अभी अपन लोग इस तरीके से कुछ ओपन करते हैं। जैसे मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे इसका दरवाज़ा खुल चुका है। मुझे सिंपली यहाँ से 9 स्क्रैप्स को कलेक्ट करना है, जो कि एकदम ईजी वाला मिशन है। कहाँ कहाँ पर स्क्रैप पड़े हुए हैं वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम ईजी रहेगा, नहीं तो क्या होता है भाई फर्स्ट टाइम में आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर देख के समझ सकते हो कहाँ कहाँ पर स्क्रैप वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 स्क्रैप और है, तो यहाँ से मैं फटाक से कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कलेक्ट करता हूँ ये वाला अपना जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं ट्रेन के पास अगेन आ जाता हूँ, फिर मैं निकल जाता हूँ अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। तो मैं अपनी ट्रेन को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैप में हम लोग देख लेते हैं। अब हमको ना थोड़ी दूर जाना है, तो अभी अपने को थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अपन ने ट्रेन को अपग्रेड कर ही लिया है, तो यार ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि अपनी ट्रेन चलने वाली एकदम फुल पावर में। रास्ते में कोई भी स्क्रैप से रिलेटेड क्रिएट वगैरह मिलेगी तो हम लोग उसको लूट लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पर ये एक लेडी देखने को मिल रही है। अभी ये देखते ही अपने को क्या बोल रही है भाई, ये बोल रही है अपने को इसके लिए पिकल केव में जाना होगा और वहाँ से पिकल लेके आना होगा। मतलब ठीक है, मतलब कि एक अचार का डब्बा है वो लेके आना है। ठीक है, उसकी जो दूरी है भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिल रही है। बट दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब इस मिशंस को कंप्लीट करोगे ना तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिले करोगे, काफ़ी ज़्यादा लेट करोगे। ठीक है, तो चाल से आप लोगों को बच के रहना है। यहाँ पर मैं रूम के अंदर के सारे स्क्रिप्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक दरवाज़ा और देखने को मिल रहा है ना। तो यार ये अभी तो लोक है तो ये खुलने वाला तो है नहीं, बट अभी अपन लोग फटाफट से भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया, गेम इतना फास्ट चलता नहीं है, है ना। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से आ चुका हूँ उस वाली लोकेशन पर। और यार आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों को पेंट के डब्बे भी मिलेंगे। यहाँ पर ब्लू कलर का यहाँ पे पेंट का डब्बा मिला, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब ना मैं यहाँ पे इस केव के अंदर जैसे ही आता तो मुझे यहाँ पे एक चेस्ट देखने को मिलती है, जो कि लॉक रहती है। अब ये वाला जो चीज़ है ना यार, आप लोगों को इसको भी ओपन करने में दिक्कतें होगी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर करना है। आपके पास अटेम्प्ट फिर बार बार फिर से ये स्टार्ट हो जाता है, 3 अटेम्प्ट में इसको खोलना होता है, और ये मैंने इसको फाइनली खोल लिया है। भाई ये अचार का डब्बा अपने को मिल चुका है, तो अब मुझे ना ये सिंपली इसको उठाकर उस लेडी को देना है, पिकल लेडी को देना है। तो यार वो उसके बदले में अपने को स्क्रैप वगैरह मिल जाएंगे,
भाई मैं भागते हुए अगेन आ जाता हूँ उस वाली जगह पर, और इसको मैं जैसे ही ना मतलब देता हूँ तो यार ये मुझे बोलती है यू आर माई पिकल हीरो भाई, मतलब देख रहे हो मतलब। तो यार ये मुझे अच्छा लगता भाई, कोई लड़की अपनी तारीफ करती है उसके लिए अपन एक हीरो बन चुके हैं, बढ़िया है भाई। चलो यहाँ पे अपने को इसने स्क्रैप वगैरह दे दिए, तो अभी अपन लोगों को यहाँ से निकलना होगा। मैं ट्रेन को अगेन स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इधर के मिशंस को कंप्लीट कर लूँ, तो ये भी एक ऑप्शनल मिशन है। तो अभी अपना जो अगला स्टॉप रहने वाला है हम लोग लेने वाला है, ठीक है। फटाक से मैंने ट्रेन को फास्ट फॉरवर्ड किया है, और अगेन ना अपने को यहाँ पे रूट को चेंज करना होगा क्योंकि यार अपने जो मिशन है ना यार वो थोड़े से इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो मैं इसको राइट साइड पर कर देता हूँ। बट यार मेरे से एक गलती हो जाती है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे नदी के किनारे चलते हैं, समुद्र के किनारे चलते हैं। और यार मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग अगर रूट को फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को रास्ते में काफ़ी सारे स्क्रैप मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ तो यार मुझे रास्ते में इतने कोई स्क्रैप वगैरह नहीं मिलते। अब यहाँ पर मुझे ये कैप्टन मिलता है और ये मुझे बताता है कि यार ये ना इस आइलैंड को छोड़कर जा रहा होता है और कुछ ही देर में बोट भी आने वाली है, बट ना ये जो इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो अपने घर पर भूल जाता है। अब ये बोल रहा है वो डॉक्यूमेंट्स मुझे ला के दे दो, उसके बदले में मैं आपको स्क्रैप वगैरह दूंगा। बट एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैप में लोकेशन दिखा देता हूँ कि यार अपने को कितनी दूर जाना है वो डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, भाई बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वाले मिशन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, होल्ड पर डालते हैं, अभी हम लोग उस रूट पर जाएंगे तब हम लोग ये वाले मिशन को कंप्लीट करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग इधर लेफ्ट पे अपनी जो ट्रेन लगी पड़ी है तो अपन लोग लेफ्ट साइड पर चलते हैं और पास वाले मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार मैं यहाँ पे ना देख सकते हो ट्रेन अपनी फुल पावर में चल रही है और मैं थोड़ा सा बीच का गेम स्किप करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे ही पहुँच जाता हूँ तो यार ये वाला जो मिशन रहने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है, बिकॉज कि यार यहाँ पर ना अब आपका जो सामना होगा वो सिक्योरिटी गार्ड से होगा, ठीक है। तो मैं फटाक से यहाँ पर चलता हूँ, इस वाले घर के यहाँ पे चलते हैं, और इस वाले घर पे आप लोग जैसे ही पहुँचोगे ना तो आपका सामना चार्ल्स के साथ भी होगा, बट मेरा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस बंदे के पास जाता हूँ तो यार ये ना मुझे बोलता है कि मतलब पहले तो अपना ये वेलकम वगैरह करता है इस आइलैंड पे, बट ये बोल रहा है कि आपको ना मतलब एक ब्लू कलर की एक बॉक्स है, मिनी बॉक्स, तो यार उसको लेके आना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई ये काम मैं कर दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ये मुझे बताता है कि यार इसके बदले में आपको काफ़ी सारे स्क्रैप मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को चलना है, तो इस वाली जगह पर अपन लोग फटाफट से चलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स होगा। गेम को अगेन मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, और मैं यहाँ पर जैसे ही जाता हूँ ना तो मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि अपन लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे, देन गार्ड को पता भी नहीं चले और उस तरीके से हम लोग उस बॉक्स की चोरी करने वाले हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा झाँक कर देखता हूँ, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिख जाता है। तो यार वो जैसे ही उसका ध्यान उधर की तरफ होता है तो मैं धीरे से करके ये जो पीले कलर का बॉक्स रखा है ट्रेन का, मैं इसके पीछे की तरफ छुप जाता हूँ, और मुझे यहाँ पर पता चलता है कि यार राइट साइड पर एक बॉक्स रखी हुई है छोटी सी, तो यार उसी को अपने को कलेक्ट करना है। मैं इसको इजीली उठा तो लेता हूँ, बट ना यार मैं जैसे ही ट्रेन के डिब्बे से बाहर आता हूँ तो मुझे ना गार्ड्स देख लेता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। बट मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट था तो यहाँ पर मैं भाग जाता हूँ, ये मैं इस वाले बड़े से ब्रिज के ऊपर चढ़ता हूँ, और यहाँ पर मुझे ना स्क्रैप भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार मेरे मन में लालच आती है भाई, ये ना मुझे शॉटगन चिपकाता, और मैं फटाफट से भागते हुए आता हूँ अपनी ट्रेन के पास। अब ना मेरा सिंपल सा एक फंडा है कि यार मेरे को गार्ड्स को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं इसको इजीली ये अपनी ट्रेन के पास आता है तो मैं इसको इजीली भर देता हूँ, ठीक है। अब ना मैं इसको यहाँ पर आकर वो जो बॉक्स होती है वो उसको जैसे ही देता हूँ ना, तो यार ये उसके बदले में मुझे काफ़ी सारे स्क्रैप दे देता है, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ट्रेन को थोड़ी सी और अपग्रेड पर डाल देते हैं, बट मैप में आप लोग लोकेशन देख सकते हो, अभी ना मुझे ट्रेन को रिवर्स लेके उस वाली जगह पर जाना है जहाँ पर अपना एक और ऑप्शनल मिशन कम्प्लीट होगा, साथ ही वहाँ पर अपना वो जो कैप्टन वाला मिशन है उसका भी मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी अपन लोग यहाँ पर ट्रेन को थोड़ा और अपग्रेड पर डाल देते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर लिया, आप लोग देख सकते हो, मतलब देख सकते हो क्या बोल रहा हूँ भाई, ट्रेन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है भाई, ब्लू कलर में एकदम गदर लग रही है ट्रेन, ठीक है। फिलहाल अभी ना अपन लोग ट्रेन को फिर से रिवर्स लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर इस वाले जो गियर को अपन लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पर मैंने कर दिया है, और अगेन मैं यहाँ पर ट्रेन में जा रहा हूँ और ट्रेन को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों दोस्तों कुछ इस तरीके से करना होगा यार, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं ठोका तो क्या कर रहे हो, और इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करना ना भूले, अपन लोग और भी नए नए हॉरर गेम्स को ट्राई करने वाले हैं, है ना। सो अभी अपनी ट्रेन जा रही है एकदम फुल पावर में, हम लोग उस जगह पर भी पहुँच चुके हैं। तो यार यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ ना तो अचानक से चार्ल्स आ जाता भाई, चार्ल्स से मैं जैसे तैसे बच बुचा के वो मुझे इतनी जोर की टक्कर मारता भाई, मैं तो
अच्छी बात तो ये होती कि हम लोग घर के जस्ट बगल में ही गिरते तो मैं फटाक से इसके अंदर आ जाता हूँ और मैं यार काफ़ी देर तक वेट करता हूँ। चार्ल्स यहाँ से भागता नहीं है, उसके सर पर गुस्सा सवार होता है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मारने की कोशिश करता है, बट वो मुझे मार नहीं पाता है और वो कुछ देर के बाद ना मतलब यहाँ से चले भी जाता है। देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये जो घर है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो मुझे कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा है। बट अभी ना मैं इस लेडी के पास आता हूँ तो ये मुझे बताती है कि मॉन्स्टर हंटर के बारे में बताती है, यहाँ पर एक गोश्त वगैरह है। बाकी ना वहाँ से मुझे 8 तरीके की पेंटिंग्स को कलेक्ट करके लाना है और यार उस मिशन को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, तो उस वाले मिशन को अभी अपन लोग थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, होल्ड पे डाल रहे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी हमारा जो वो वाला मिशन था, कैप्टन ने जो बोला था कि मेरे लिए फाइल्स वगैरह लेके आना मेरे घर से जाके, तो हम लोग उस वाले मिशन को करते, मैं अभी उसके घर पर पहुंच चुका हूं और मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं कुछ स्क्रिप्ट मिल जाते। मुझे गेम थोड़ी सी लेग हो रही है बट ये चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। यहां पर एक और दरवाज़ा है, मैं अंदर की तरफ जाता हूं, यही कहीं पर फाइल वगैरह रखी होगी। ओके सो यहां पर अपने को फाइल मिल चुकी है, अभी मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूं और इन्वेंट्री में आप लोग देख सकते हो। तो यहां पर मेरे फाइल वगैरह मैंने यहां पर कलेक्ट वगैरह कर लिए। अब ना मैं यहां पर फटाफट से उस बंदे के पास जाता हूं और उसको फाइल दे देता हूं। बट यहां पर ना आप लोगों को कुछ इस तरीके के सीक्रेट ईस्टर एग देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कहो तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो वगैरह लेके आ सकता हूं। और आप लोग दोस्तों मिथ बस्टेड वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग वो भी मुझे आप लोग मिथ वगैरह कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग उस वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, कैप्टन यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो मैं उसको जैसे ही यहाँ पे देता हूँ ना उसकी फाइल, तो ये मुझे उसके बदले में स्क्रैप दे देता है। भाई बहुत बढ़िया वाला सीन हो जाता है, अपने पास ना आप यहाँ पे 69 स्क्रैप हो जाते हैं। तो यार गाइज यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने की वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा एंड कर रहा हूँ, आप लोग इसके थर्ड पार्ट के लिए वेट करिएगा। बाकी आपके माइंड में कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ आ रही है चूचू चार्ल्स गेम को लेके तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, और यार आप लोग कहो तो हम लोग यार लाइव स्ट्रीम वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।